क्रिएटिव कैपेसिटी अचानक टोयटा रुक गया पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कहा बैठो 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 अरे सुनो रे भाई सुनो देखो देखो संभावना देखो 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 अब आप बोध भिक्षु का मतलब समझते हैं जितना सन्नाटा उधर छाया उतना ही इधर छाया बैठो देव सेना मैं काम करके आता हूं सही है क्रिएटिव कैपेसिटी है क्रिएटिव कैपेसिटी मुझसे बोलिए और जोर से बोलिए योर एबिलिटी टू सी ऑप्शन एंड फाइंड आंसर्स जब जब जीवन में कहीं रुक जाओ अटक जाओ ग्रोथ कम हो रही हो तो बैठो अपने लोगों के साथ और संभावनाओं को ढूंढो कुछ बड़ा हो सकता है कुछ बड़ा हो सकता है कुछ बड़ा हो सकता है अचानक टोयटा रुक गया पूरे वर्ल्ड में अचानक टोयटा रुक गया टोयटा ने कहा कुछ देखो रे ओए देखो भाई देखो कुछ मिलेगा कुछ इशारा मिलेगा कुछ इशारा मिलेगा टोयटा को इशारा मिला टोयटा ने कहा पूरे वर्ल्ड में टोयटा के हर एक एम्प्लॉय को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आपके पास टोयटा को ग्रो करने के लिए 24 सजेशन हो जापान टोयटा को मेल करो पूरे वर्ल्ड के कितने देशों में टोयटा है हजारों लाखों लोगों ने जो टोइटा के साथ थे उन्होंने मेल किए लिखी पर्चियां डाली और कुछ ऐसे सजेशन आए जिससे टोयोटा बाउंस बैक करके पूरे वर्ल्ड में ट्रस्ट को जीत पाया ये टोयोटा ने क्या किया संभावनाएं खोजी संभावनाएं खोजी संभावनाएं खोजी रचनात्मक हो जा रहे अचानक कोलगेट का टर्न गिर गया अचानक कोलगेट नीचे की तरफ जाने लग गया जिस देश की नसों में कोलगेट ही बस्ती थी जहां पर टूथब्रश टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता था वहां कोलगेट की सेल गिर गई रे कुछ तो भारी था उन्होंने कहा बैठो 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 अरे सुनो रे भाई सुनो देखो देखो संभावना है, देखो 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 एक आदमी ने आके बोला सुनो रे भाई ओए तुम्हारा छेद बड़ा कर दो कोलगेट का मुंह है ना इसका छेद बड़ा कर दो ये जिसने सलाह दी थी ना वो नाड़ेबाज था अल्लू चल्लू था और सलाह कैसी दे गया कोलगेट का मुंह बड़ा कर दो तो भारत के लोगों को दबा के निकालने की आदत थी ना तो जो तीस दिन में खत्म होता था वो दस दिन में खींच दिया मीटर तो कोलगेट का टर्न चार गुना हो गया अरे सुनो भाई संभावनाएं खोजो संभावनाएं खोजो संभावनाएं खोजो संभावनाएं खोजो टाटा का सब लूट गया था सब बेचने की कगार पे आया टाटा ने बोला सुन रे संभावना खोजो रे संभावनाएं खोजो कुछ मिलेगा असली मानव वो जो उठने के लिए संभावनाएं खोजे जो कठिनाइयों में से अवसर को ढूंढ के ले आए वो है संभावना है। एक आदमी था बड़ा व्यापारी था और बड़े व्यापारी के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने तीन बेटों में से अपना धंधा किसी को भी देना चाहता था लेकिन योग्यता चेक करना चाहता था हेलो उसने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक ली उसने कहा मेरे तीनों बेटों की परीक्षाएं करता हूं इनमें से जो योग्य होगा उसको मेरा व्यापार विरासत में देके जाऊंगा उसी को वसीयत करके जाऊंगा उसने तैयारी कर ली बड़ी तैयारी कर ली और तैयारी में उसने तीनों बेटों को बुला के बोला बेटा अपने से बीस किलोमीटर दूर बोध भिक्षुओं का एक मठ है बोध भिक्षुओं का मठ है तुम जाओ और उस बोध भिक्षुओं के मठ में कंगियां बेचकर आओ अब आप बौद्ध भिक्षु का मतलब समझते हैं? समझे कि नहीं समझे बौद्ध भिक्षु का मतलब है भाई बाल नहीं है और काम क्या दिया कंगे बेच के आओ तीनों बेटों को समान अवसर दिया समान संभावनाएं दी लेकिन अनादि से जैसे कोई कर्म फूटा निकलने वाला है तो निकलेगा ही। जैसे कोई घनघोर अंधियारों में से भी जो रोशनी निकाल के लाएगा वो लाएगा ही अब काम ऐसा दिया है जिस इंसान को बेचना है उस इंसान के पास वो परपज ही नहीं है जिसको वो जरूरत है लेकिन उन्होंने बोला जाओ बेटा तुम जो करके आओगे उससे ये तय होगा कि तुम्हारे में व्यापार है कि नहीं है क्रिएटिव कैपेसिटी पहला बेटा आया वापस और उसने कहा पिताजी एक कंगी बेच के आया हूँ एक कंगी बेच के आया हूँ कैसे बेची बेटा पिताजी मुझे पता था कि जिस व्यक्ति को मैं एक कंघी बेच रहा हूँ उनके बाल ही नहीं हैं तो मैंने उनको ये कहा देखो भैया आपके बाल तो है नहीं लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं बन सकती है कभी से कभी कि आपको ये कुछ किसी न किसी काम में आ जाए तो मैंने कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं में से एक दो लोग ऐसे थे जिनके कुछ पीठ पे कुछ रोग थे खुजली थी ये थी वो थी तो मैंने उनको कहा भैया लो और आप आप इससे खुजाने में आप मदद मिलेगी आपको इससे आप खुजा पाओगे तो वो एक आदमी जो रोगी था उसने मेरी कंगी खरीद ली और वो संभावनाओं के ऊपर मैं ये एक कंगी बेच के आया हूं दूसरे को बोला बेटा तू कितनी कंगी बेच के आया पिताजी मैं दस कंगी बेच के आया बेटा दस कंगी कैसे बेची है पिताजी मैंने बौद्ध बौद्ध में जो भी बौद्ध मठों में जितने भी भिक्षु थे उन सारे भिक्षुओं में एक चीज़ देखी उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे मिलते थे यात्री आते थे तो मैंने उनको जाकर कहा देखे भैया आपको तो ये कंगी काम में आएगी नहीं लेकिन आपके यहाँ हवाएं ज़्यादा चलती है आपके जो यात्री आते हैं इन यात्रियों को कभी कभी हवाओं में बाल बिगड़ जाते हैं इसलिए उनको कंघी रखी हुई मिलेगी तो उनका मन करेगा और वो कंघी से अपने बाल बना लेंगे उन्होंने कहा ठीक है भाई यात्रियों के काम में आएगी दस कंगी खरीद ली उन्होंने मेरे से तीसरे ने आके बताया बापू एक हजार कंगियां बेच के आया हूं जितना सन्नाटा उधर छाया उतना ही इधर छाया अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं गंजों की नगरी में अगर कोई एक हजार कंगी बेच के आया होगा रे कुछ तो भारी होगा अब सवाल आपके लिए कैसे बेची होगी क्योंकि आप खुजली बताने वाले थे तो वो पहले वाले ने खुजा दी आप बोलने वाले थे भाई लोग तो आते हैं वो भी उसने कर दी अब बोलो इसके बाद जो बता दे रे वो क्रिएटिव कैपेसिटी डेवलप कर चुका और इसके बाद जो संभावनाओं को लेवरेज कर दे वो क्रिएटिव कैपेसिटी को फोड़ के रख देगा भाई सुनो तीसरे ने क्या किया तीसरे ने कोई रणनीति नहीं लगाई कोई शातिरपना नहीं लगाया कोई छल कपट नहीं लगाया उन दो ने लगाया लेकिन तीसरे ने वो किया जो सेल्स की दुनिया में सिद्धांत बन गया नीड इंटरेस्ट और कंसर्न उसने रियल बेचने की कला को रियल लेवरेज किया उसने क्या बोला उसने बोध भिक्षुओं के जो सबसे बड़े वहां पे व्यक्ति थे जो उनके आचार्य थे उनसे जाके मुलाकात की सर मैं आपसे 20 मिनट आपके इस पूरे मठ के हालात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं हां बेटा बोलो प्रणाम किया चर्चा चालू की सर कितने लोग होते होंगे जो हर महीने विजिट करते होंगे उन्होंने कहा सैकड़ों हजारों लोग हो, होते हैं जो हर महीने विजिट करते हैं सर कितने सालों से कर रहे हैं कई वर्षों से ये मठ बना हुआ है यहाँ तो कई वर्षों से यात्री आते हैं और जाते हैं सर कितने वर्षों में जो जो लोग यहाँ से गए आपके जितने प्रवचन होते थे कितने लोगों को आप परसेंटेज में तोलते हैं जिन लोगों को आपके प्रवचन याद रहे होंगे सर बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं जिनको हमारे प्रवचन याद रहते हैं आपको यहां पर आए हुए यात्रियों में से रिपीट कितने लोग आते होंगे रिपीट आने वाले लोगों की संख्या ट्वेंटी परसेंट है सर मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं मैं आपको जिंदगी में एक ऐसी चीज दे सकता हूं जो आपके मठ का हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी और आने वाला भविष्य बदल सकती है और जो इस मठ का पर्पज है इस पर्पज को मैं पूरी दुनिया में फैला सकता हूं क्यों क्या करोगे आप ऐसा मैं ह्यूमन टेंडेंसी को जानता हूं अगर ह्यूमन टेंडेंसी से कोई चीज कनेक्ट होती हो और आप जो देना चाहते हो वो उससे कनेक्ट होता हो तो लाइफ टाइम आपके प्रवचनों को मैं ताम्र पात्र पे अंकित कर सकता हूं क्या बोला उसने मैं आपके प्रवचनों को ताम्र पात्र पे अंकित कर सकता हूं उसने बोला हमने कई बार कर लिया लोग ताम्र पात्र लेते हैं और ले जाके घरों में पटक देते हैं सर यही मिस्टेक होती है वो ताम्र पत्र उस व्यक्ति के जीवन में कोई वैल्यू एड नहीं करता इसलिए आपका ताम्र पत्र वो ले जाके अलमारी में डाल देता है मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिसको वो अलग भी नहीं कर पाएगा और आपके प्रवचन भी उस पर लिख सकते हैं मैं आपको ये कंगी दे रहा हूँ कंगी के ऊपर का जो एक इंच का हिस्सा आता है इसके ऊपर हम आपके पूरे प्रवचनों को उकेर देंगे जब जब वो लोग बाल बनाएंगे तो पहले प्रवचन की लाइन पढ़ेंगे, फिर बाल बनाएंगे जीवन भर आपके प्रवचन लोगों की जिंदगी में डेली वैल्यू ऐड करेंगे एक हजार कंगे तो बापू ने बोला बेटा एक ही कैसे बिकी कि बापू एक हजार ही ले गया था कुछ समझे अब संभावनाएं कितनों की हो गई मैं हिल गया ये स्टोरी पढ़कर भाई मैं हिल गया क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना इस जैसे मैंने आपको ये टास्क दी तो पहले आप भी सोच रहे होंगे हो सलाएगा या कुछ और करेगा कुछ तो बेचेगा और हम सबके दिमाग में एक ही चीज आया था गंजे को तो कंगी छल कपट से ही बेची जा सकती है ये बात थी कि नहीं थी क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि दुनिया में कोई भी चीज बेचने के लिए सामने वाले व्यक्ति को वो डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू एड करनी चाहिए सुनो इनडायरेक्ट भी वैल्यूएट की जा सकती है उसके बाद मठ में आने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना हो गई कई गुना हो गई क्योंकि आप सब किसी के पास कंगी है कंगी कंगी है सुशीला के पास है और पीछे हाँ। इसको ऐसा करके दिखाओ इसके ऊपर जगह है कि नहीं है yes. उनके वाली लकड़ी की थी उस जमाने में लकड़ी चलती थी लाओ लाओ सुशीला दे मेरे को आज सुशीला बाहुबली की पत्नी नहीं लग रही बैठ जाओ बैठो देवसेना मैं काम करके आता हूं देखो सुनो सुनो दुनिया की हर कंग इसके ऊपर लिखा हुआ है किया हालांकि कुछ किया नहीं लेकिन लिखा हुआ है ऐसे उन्होंने प्रवचनों को उकेर दिया और ये रियल घटना है चाइना की ये रियल घटना है और यहां पर प्रवचन लिखे हुए तो चाइना में कल्चर ही बन गया कंगिया रोज काम में आने वाली घटना है और इस कंगी से साला जब जब वो <laughs> सही है yes. फील तो किया जा सकता है ना इसमें क्या है मैंने आज तक मतलब मैं पिछले बयालीस बरस में साला मैं ये नहीं समझ पाया कि इस हिस्से को काम में लिया जा सकता है उसने ये नहीं बेचा रे उसने ये बेच दिया लेकिन हमें आज तक यही पता था आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में लोग लेवे उसका डायरेक्ट बेनिफिट के अलावा इनडायरेक्ट कई चीजें हैं जो वजह बनती है आपको पता है भारत में 80 परसेंट लोग तो चाय इसलिए पीते हैं कि लत लग गई लत बचे हुए 20 परसेंट लोग चाय इसलिए पीते हैं कि साथ पेट के पीने का मजा ही कुछ और है कुछ पकड़ में आया मैं चाय की बात कर रहा हूं उनकी बात नहीं कर रहा दारूखोरियों की जो दारू को भी मजे से पीते हैं भाई मैं चाय की बात कर रहा हूं मैं आपसे कुछ कह गया मैं पिछले पंद्रह मिनट बिताया मैंने एक टॉपिक पे क्रिएटिव कैपेसिटी मैं आपसे पूछता हूं भाई लोगों क्रिएटिविटी डेवलप की जा सकती है कि नहीं yes. अरे आपके प्रमोटर्स प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान आउट को बेचने के लिए जिस दिन आपने क्रिएटिविटी दिखाई क्रिएटिविटी दिखाई उस दिन के बाद कयामत होगी बड़ा कर सकते हो कुछ टोयटा ने किया कोलगेट ने किया उस बापू ने किया बैठाओ अपने लोगों को अगर आप टीसीओ बिठाओ अपने पांच लोगों को अरे आप डीटीसीओ बिठाओ अपने सारे लोगों को साथ जिसमें पीपल कैपेसिटी डेवलप हो गई वो क्रिएटिव कैपेसिटी डेवलप करके कभी क्या, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या और वो उठा लेगा अपने धंधे को पूरी दुनिया में व्यापार और कुछ नहीं है क्रिएटिव कैपेसिटी है क्रिएटिव कैपेसिटी आप भी डेवलप करो